हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ कि हम लोग फ्राइड लीवर अटैक को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले देना है e4, आपका ओपोनेंट रिप्लाई करेगा e5, फिर नाइट f3, फिर नाइट c6, उसके बाद आपको बिशप c4 खेलना है, उसके बाद वो देगा नाइट f6, उसके बाद आपको देना है नाइट g5, उसके बाद आपका ओपोनेंट देगा d5, उसके बाद आपको मार देना है, फिर भी वो नाइट से मारेगा। यहाँ पर आपको एक सेक्रीफाइस देना है, नाइट सेक्रीफाइस, नाइट टेक्स f7 करके। नाइट टेक्स f7 के बाद वो करेगा किंग टेक्स f7, किंग टेक्स f7 के बाद आपको एक क्रशिंग मूव देना है, क्वीन f3 चेक। क्वीन f3 चेक देने के बाद उसके बाद कई सारे रास्ते हैं, मैं आपको पहला रास्ता बोल रहा हूँ दोस्तों। अगर वो अपना किंग को e8 में ले कर जाएगा तो उसके बाद आपको मार देना है बिशप को, बिशप क्रॉस d5 करके। वो क्वीन से नहीं मार सकता है और उसको चेकमेट भी उसको बचाना है, इसलिए वो क्वीन को e7 पे लाएगा। लेकिन उसके बाद आपको मारना है g c6 पर, और उसके बाद वो भी मारेगा d cross c6। उसके बाद आपको क्वीन क्रॉस c6 मारना है, चेक है तो उसको बिशप से ढकना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्वीन क्रॉस a8 मारना है, उसके बाद उसका किंग जाएगा f7 पे। और ये एक रास्ता है दोस्तों, देखिए आप बहुत सारे पीस जीत चुके हैं, ये आपके लिए विनिंग गेम होना चाहिए अगर आप ठीक से खेलेंगे। तो ये रहा एक रास्ता, और एक रास्ता मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ दोस्तों। इस चेक के बाद अगर वो अपना किंग को लेके g8 स्क्वायर पे जाएगा तो उसके बाद आपको बिशप क्रॉस d5 खेलना है। उसके बाद उसके पास एक ही लीगल मूव होगा, दो लीगल मूव्स हो गए कि वो अपने क्वीन से अब आपका बिशप को खा ले, अदरवाइज आपके बिशप को वो सेक्रीफाइस कर दे। तो यहाँ पर से अगर वो क्वीन क्रॉस d5 खेलेगा तो उसके बाद आपको भी क्वीन क्रॉस d5 खेलना है, उसके बाद वो बिशप e6 खेलेगा, उसके बाद आपको क्वीन क्रॉस e6 खेलना है। और ये एक चेकमेट है दोस्तों, तो आप ऐसे करके आप अपने दोस्त को मेट कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, और प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आया है। मैं बहुत दिन के बाद मैंने वीडियो बनाया है, इसके लिए मैंने माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। अब से मैं रेगुलरली वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ओके दोस्तों, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आपको।